अटारी बाघा सीमा पर घना कोहरा और शीत लहर जारी है। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आंधी हो या तूफान, जवान हर परिस्थिति में बॉर्डर पर डट कर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से भारतवासी सुरक्षित हैं और चैन की नींद ले पा रहे हैं। सर, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो या बारिश हो या धुंध का मौसम ही क्यों न हो, हमारे इरादे हमेशा स्तर बुलंद रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि धुंध का मौसम है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है कि तुम्हें भर्ती किया जा रहा है तो आंधी तूफान या बारिश आए तुम्हें हमेशा मैदान में डटे रहना है। धुंध के टाइम में विजिबिलिटी थोड़ा जीरो डिग्री हो जाती है या माइनस में चली जाती है, लेकिन हमारे इरादे हैं वो बुलंद रहते हैं, हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इस टाइम पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस टाइम पे हम सुनने पे ज्यादा जोर देते हैं। पेट्रोलिंग चलती रहती है हमारे हायर हेडक्वार्टर की तरफ से, पीछे नाका लगाए जा रहे हैं जो एरिया को डोमिनेट करने के लिए 3 टायर सिस्टम लगाया गया है। नाइट में फेंसिंग के आगे भी पेट्रोलिंगें जाती हैं, बॉर्डर पे रहती हैं और साथ में पीछे डेप्थ एम्बुस लगाए जाते हैं। इससे हमें ये रहता है कि हम सेफ हैं। अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तभी तो भारतवासी हैं जो वो अच्छे से चैन की नींद सो सकेंगे। मौसम कैसा भी हो, बीएसएफ के जवानों के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं और सीमा पर तैनात जवान धुंध के मौसम में जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, वहां भी आवाजों के जरिए दुश्मनों की आहट का अंदाजा लगा लेते हैं। धुंध तो सर काफी होती है, आसपास का बंदा भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, आवाजें लगाते रहते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सर पेट्रोलिंग करते हैं, नाइट में पेट्रोलिंग आते हैं, हिट करते हैं, ओपी करते हैं, साइकिल से आते हैं सर, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जवान सीमा पर अलर्ट है और चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुंध पड़ी हुई है और बहुत कड़ाके की सर्दी है और उसमें हम रात दिन मतलब कड़ी मेहनत से खड़े हुए हैं और बिल्कुल आंधी हो या तूफान हो या कैसी भी धुंध हो, बिल्कुल नो विजिबिलिटी में यहाँ पर हम बिल्कुल अलर्ट हैं और बिल्कुल अपना डेप्थ लगा रहे हैं, साइकिल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोल कर रहे हैं, जिप्सी पेट्रोल कर रहे हैं और फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट किया जा सके और किसी प्रकार की जो भी गतिविधि है, इन्फिल्ट्रेशन हो या स्मगलिंग एक्टिविटी हो या ड्रोन एक्टिविटी हो, उसको हम मारने के लिए, उनको हम मतलब मिटाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं और किसी भी चुनौती हो उनको डटकर मुकाबला करने के लिए हम खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देशवासी भी चैन की नींद सो सके और भारत की जो स्मगल एक्टिविटी है, पंजाब की जो स्मगलिंग एक्टिविटीज हैं, स्मगलर्स हैं, उन पर हम रोक लगा सकें। जय हिंद, जय भारत।